बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और उसमें हमने आपको बताया था कि नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन किस तरह से होता है, और हमने आपको क्या बताया था उसमें से नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन बताया था, और सेकेंड हमने आपको चेंजिंग वर्किंग कैपिटल बताया था। ठीक है, अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, एक चीज़ होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में फंड। फंड क्या है? सेपरेट ग्रुप ऑफ मॉनिटरी ऑफ अदर रिसोर्स यूज टू सपोर्ट सेलेक्टेड एक्टिविटीज कॉल्ड फंड। जो भी मॉनिटरी वैल्यू है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर यहाँ देखेंगे फंड फ्लो क्या है। अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ बिजनेस रेज एंड यूज द फंड, कि ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि बिजनेस किस तरह से अपने फंड्स बढ़ाता है या कम करता है। स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड फंड फ्लो, किसी स्पेसिफिक पीरियड में क्या क्या उसके यूजेज होते हैं और क्या क्या उसके सोर्स और यूजेज एप्लीकेशन होते हैं थ्रू वो फंड के यूज करता है, तो उसको हम फंड फ्लो कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फंड्स आ रहे हैं उसके सोर्सेज क्या हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या हैं। सोर्सेज में क्या हो सकता है? सोर्सेज में आपने शेयर इशू किया, आपने बॉन्ड इशू किए, आपने एसेट्स को सेल्स कर दिए, तो ये सोर्सेज हो गए। एप्लीकेशन क्या हो गई? आपने परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन पे कर रहे हैं, वो आपकी एप्लीकेशन हो गई। सोर्स आगे क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ फंड्स आर टिपिकली ट्रेडिंग, सोर्स ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट। सोर्स क्या है? वो बोल रहा है ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर। जब शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे, डेफिनेटली लोग आपको पैसे देंगे। डिबेंचर लेंगे, शेयर लेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा। सेल्स करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। फिक्स एसेट्स की सेल्स करेंगे, आपके पास पैसा आएगा। कोई भी लैंड बिल्डिंग आप बेचेंगे, आपके पास पैसा आएगा। और कहाँ से पैसा आएगा आपके पास? बोरोइंग से। तो सोर्सेज ऑफ फंड क्या हो सकते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट। सोर्सेज ऑफ फंड क्या हो सकते हैं? कि आप प्रॉफिट ट्रेडिंग कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कर रहे हैं, इसके अलावा सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स कर रहे हैं। अगर आप सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपके लिए सोर्स होगा, या आप बोरोइंग कर रहे हैं तो वो भी सोर्स है। एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है फंड फ्लो में, जब आप बनाएंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपके पास क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड में ट्रेडिंग लॉस, अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो वो आपका एप्लीकेशन है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो सोर्स है। आपको बिजनेस में फायदा हो रहा है तो वो बिजनेस में फायदा हो रहा है तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड है। और अगर आपको नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली पैसा जाएगा, तो वो लॉस हो जाएगा। इसके अलावा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे, डेफिनेटली जब भी आप परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन हो जाएगा। डिविडेंड पेड कर रहे हैं, शेयर होल्डर को प्रॉफिट पे कर रहे हैं, तो आपके पास से पैसे जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन या बोरोइंग, अगर आपने कोई बोरोइंग की हुई है और उस बोरोइंग को रीपे कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपके पास से पैसा जाएगा। और जब आपके पास से पैसा जाएगा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, तो वो आपके लिए क्या है? रीपेमेंट, वो आपके लिए जो है वो बोरोइंग जो आप कर रहे हैं उसकी रिपेमेंट आपके लिए एप्लीकेशन है। द बैलेंस फिगर रिप्रेजेंट, द बैलेंस फिगर रिप्रेजेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो बैलेंस फिगर होती है वो इंक्रीज इन डिक्रीज आपको बताती है वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाती है। तो इस स्लाइड्स में आपको समझने के लिए जरूरी है कि फंड फ्लो आपका सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड को डील करता है। फंड फ्लो में हम क्या करते हैं? सोर्सेस को और एप्लीकेशंस को डील करते हैं। ठीक है, सोर्सेज हमारे क्या हो सकते हैं? सोर्सेज में हमारे पास क्या हो सकते हैं? कि हम शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, या हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सोर्सेज में हमारे पास क्या है? कि अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, सोर्स है इशू कर रहे हैं शेयर या डिबेंचर तो पैसा आएगा, सोर्स है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर रहे हैं तो सोर्स है, या बोरोइंग कर रहे हैं तो वो क्या है? ये सारी चीजें सोर्स हैं। ठीक है, और अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जब जो पैसा आपके पास से जा रहा हो उसमें क्या है? लॉस हो रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कर रहे हो, पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो शेयर होल्डर को, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, जा रहा है पैसा आपके पास से। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। जो भी बैलेंस होगा इसका, जो भी बैलेंस होगा इसका, वो बैलेंस चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है नॉन वर्किंग कैपिटल वो कहलाता है। ठीक है, वो चेंजिंग नॉन वर्किंग कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
अच्छा, अब इसका एक स्टेटमेंट याद कर लो आप लोग, इसका एक स्टेटमेंट याद कर लें। देखें कि स्टेटमेंट में क्या है, कंपनी का नाम लिख दिया, फंड फ्लो लिख दिया, सबसे पहले नेट इनकम और लॉस जो हमने निकाला था ना, जो नेट इनकम और लॉस आपके पास आ रहा है, नेट इनकम होगा तो प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा तो लॉस होगा, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं हम नॉन कैश आइटम या एक्सपेंस नॉट रिक्वायर्ड फंड, ये वो एक्सपेंसेस इसके अंदर हम वापस ऐड करते हैं जो हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में से एज ए एक्सपेंस माइनस किए हैं, जो हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में से एज ए एक्सपेंस माइनस किए हैं, मगर उसके लिए एक्चुअली हमने किसी को कैश पे नहीं किया। तो नॉन कैश आइटम कौन से होते हैं? नॉन कैश आइटम वो होते हैं जिनके अंदर हम एक्चुअली पैसे पे कर रहे नहीं होते, बट उसको एज ए एक्सपेंस लेस करते हैं। तो एज ए एक्सपेंस हम जब उसको लेस करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉन कैश आइटम कहते हैं, क्लियर है? तो उनको वापस करेंगे, क्योंकि जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा, जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा तो उस वक्त तो हमने क्या करा होगा, जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा तो उस वक्त तो हमने उनको लेस किया होगा एज ए एक्सपेंस, बट एक्चुअली हमारे पास से कैश नहीं गया, तो उसको हम वापस ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेफिनेटली आप किसी को पे नहीं करते, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करते हो, बट आप किसी को पे नहीं करते तो इसको हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लाइक गुडविल। गुडविल मार्केट में एक रेपुटेशन होती है, उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट वो टाइम टू टाइम उसकी भी वैल्यू अमोर्टाइज होती है। पेटेंट राइट्स हैं, कॉपी राइट हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको फिक्स एसेट्स कंसिडर करते हैं। अगर उनकी वैल्यू भी कम हो रही है तो वो भी हम एज एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन के नाम से, जब कोई फिक्स एसेट जो टेंजिबल हो, जिसको आप छू सकते हो, उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अगर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होगा तो डेफिनेटली उसको हमने लेस किया होगा, और यहां पर हम उसको वापस ऐड बैक करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर कोई भी लॉस हुआ है सेल करने पे फिक्स एसेट्स के, तो वो लॉस भी आप यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि उसको आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा उस वक्त आपने अपने पास से लेस कर दिया होगा, मगर जो लॉस हो रहा है वो तो आपने उस सेल परचेज का डिफरेंस नहीं है, वो आपको पता है कि आपको ये लॉस हुआ है, मगर उसको एक्चुअली आपने नहीं पे किया होगा किसी को, तो उस लॉस को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और अगर गेन हुआ है तो हमारे पास पैसे नहीं आए होंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट आया होगा, तो उसको हमने तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में ले लिया होगा, तो यहां पर हम गेन होगा तो लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली पैसा आया नहीं था मगर हमने उस टाइम ऐड किया था, अभी वापस माइनस करेंगे। लॉस होगा तो हमने इसको लेस किया होगा, जैसे इनकम स्टेटमेंट में से नॉन कैश आइटम हम लेस करते हैं वैसे हमने इसको लेस किया होगा, बट एक्चुअली हमारे पास से पैसा इसका गया नहीं। जब एक्चुअली पैसा हमारे पास से गया नहीं तो इसलिए इसको हम वापस क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंस नॉट रिक्वायर्ड फंड, ये नॉन कैश आइटम भी होते हैं और ये नॉट रिक्वायर्ड फंड वाले एक्सपेंस टोटल ये आ जाएंगे, इसको ऊपर से ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, के ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी या बिजनेस ऑपरेशन से जितने फंड आ रहे हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपने कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किया है, फिक्स एसेट बेचेंगे तो डेफिनेटली तुम्हारे पास सोर्सेज है। पहले सोर्सेज लेंगे सारे सारे, हम सोर्सेज ऑफ फंड ले रहे हैं। अभी हम किसको ले रहे हैं? शुरू में मैं क्लियर करना भूल गया, हम सारे सोर्सेज ऑफ फंड को ले रहे हैं, फिर लेस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये तो सारा सोर्स है ना, इससे तो सारा पैसा आ रहा है, इसके अलावा पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हो, अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हैं, अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हैं तो उससे भी आपके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। जब आपके पास पैसा आएगा तो उसको भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसी तरह अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन, लाइबिलिटी, बॉन्ड, डिवेंचर वगैरह आप इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर लेंगे आपके पास डेफिनेटली पैसा आएगा, लोगों को डिवेंचर पीस ऑफ पेपर देंगे उसके अगेंस्ट आपके पास पैसा आएगा, तो आपके लिए सोर्स है। इसी तरह अगर आप बॉन्ड इशू करेंगे तो वो भी पीस ऑफ पेपर होगा, लोगों को आप देंगे उसके अगेंस्ट भी आपके पास पैसा आएगा, तो वो भी आपके लिए क्या है? सोर्स है। इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लोन पेबिल वगैरह, तो पैसा आएगा। तो जब भी आप ये इंक्रीज होगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बॉन्ड या डिबेंचर, तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये सोर्स ऑफ फंड में आप ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐड करेंगे शेयर, शेयर के ऊपर स्टार है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये इशू ऑफ शेयर इंक्लूड शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर में हम ये याद रखना कि हम प्रीमियम को भी लेंगे और
शेयर कैपिटल में प्लस करेंगे किसको? प्रीमियम में। शेयर कैपिटल में हम किसको प्लस करेंगे? प्रीमियम को। देखो अगर शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम की वैल्यू को हम यहाँ पर इशू की वैल्यू को लेंगे और इससे भी आपके पास पैसा आएगा, ये सोर्स ऑफ फंड कहलाएंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो टोटल सोर्स ऑफ फंड इधर से आ जाएंगे, टोटल सोर्स ऑफ फंड क्या आ जाएंगे? इधर से आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपके पास क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप जहां जहां आपके पास पैसे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है, जहां जहां आपके पास से पैसे जा रहे हैं वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहां आप यूज होगा? अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया है तो डेफिनेटली वो क्या है? फिक्स एसेट्स परचेज किया है तो वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फंड है। फिक्स एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास से पैसा जाएगा, जब आपके पास से पैसा जाएगा तो वो भी आपके लिए क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पैसा, तो वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, जिस तरह से इशू करोगे तो वो क्या आ जाएगा? सोर्स में आ जाएगा। और अगर पेमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, डिबेंचर की, बॉन्ड्स की, तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा। क्लियर है? जब रिसीव करोगे, इशू करोगे तो वो तुम्हारा सोर्स में आएगा, और जब पेमेंट करोगे तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और डिबेंचर में आ जाएगा। कैश डिविडेंड पेड, अच्छा कैश डिविडेंड जो भी पेड कर रहे हो उसको जब तुम अगर फंड फ्लो बना रहे हो, कैश फ्लो नहीं बना रहे, कैश फ्लो को आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अगर फंड फ्लो बना रहे हो तो उसको कैश डिविडेंड पेड को यहीं लेंगे। तो ये टोटल एप्लीकेशन, क्योंकि इधर जब कैश डिविडेंड पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, और तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है तो तुम उसको क्या करोगे? उसको लेस करोगे। तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड यहां आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड तुम यहां पर इसको लेस करोगे। टोटल एप्लीकेशन फंड को आप यहाँ क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड को लेस करेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज इन नॉन वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि जब हम फंड फ्लो बनाते हैं, जब हम फंड फ्लो बनाते हैं तो फंड फ्लो में हम दो चीजें लेते हैं, सोर्सेज और एप्लीकेशन। सोर्सेज ऑफ फंड वो तमाम चीजें जहां जहां आप पैसे आपके पास से आते हैं शेयर इशू करके, एसेट से करके, शॉर्ट टर्म एसेट्स में डील करके, बिजनेस ऑपरेशन को करके। ठीक है, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद होगा तो बाकी के सारे क्वेश्चन भी इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है फंड फ्लो बनाना है, ये कह रहा है वाई जेड एल टी डी बैलेंस शीट दे रहा है इसकी, ऑन दिसंबर 31st 2001 और 2002 की बैलेंस शीट दे रहा है। ठीक है, दिसंबर 31st 2002 के बैलेंसेस दे रहा है और दिसंबर 31st 2001 के बैलेंसेस दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा कट गया है तो इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 2 लाख 2002 में और 150,000 है 2001 में। अकाउंट रिसीवेबल है 340 है 2002 में और 230, यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम इसका चेंज देखें तो कैश में कितना चेंज आ रहा है 150,000 का, और इसमें कितना चेंज आ रहा है, इसमें भी चेंज आ रहा है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को देखें, 240 की थी 210 की, इसका मतलब है ये क्या हो रही है? कम हो रही है। हम इसमें चेंज को देखते हैं। इक्विपमेंट को देखें, इक्विपमेंट लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर था 280,000 का, इस ईयर कितना हो गया? 303 का। तो यानी इक्विपमेंट परचेज किया, इसका मतलब इक्विपमेंट बढ़ रहा है तो इक्विपमेंट क्या किया है? परचेज किया है। तो टोटल एसेट्स यहाँ पर आ गए। लाइबिलिटी में अकाउंट्स पे भी लास्ट ईयर 250 था, 270, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है। इसी तरह डिबेंचर पे भी लास्ट ईयर 1,20,000 के थे, अब 2,40,000 के हो गए, इसका मतलब क्या है कि मेरे ख्याल से 1,20,000 से आपकी डिबेंचर पेबल इंक्रीज हो रही है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का भी इंक्रीज हो रहा है, लास्ट ईयर 30,000 था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इस साल 40,000 है, इसका मतलब क्या है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर 10,000 से इजाफा हो रहा है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 3,00,000 था और अब 4,00,000 हो गया, 3 से 4 इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि 1,00,000 रुपए से आपने न्यू शेयर इशू किए। रिटेन अर्निंग का बैलेंस लास्ट ईयर कितना था? 1,00,000, इस शेयर कितना है? 1,10,000, इसका मतलब क्या है कि रिटेन अर्निंग के अंदर भी 10,000 से चेंज आया है। ठीक है, एडिशनल कह रहा है कैश डिविडेंड हमने कितना डिक्लेयर किया है? 1,50,000 एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि डिक्लेयर भी कर दिया और पेड भी कर दिया। डिक्लेयर जब करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। बट अगर पेमेंट भी कर रहा है तो फिर डिविडेंड पेबल डेबिट करके हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अगर शेयर दे रहा है या कैश दे रहा है तो कैश क्रेडिट कर देते हैं। बट अगर एक ही एंट्री के अंदर वो डिक्लेयर और पेड कह रहा है तो हमें पता है हमने क्या एंट्री बनाते हैं कि रिटेन अर्निंग हम इसके अंदर डेबिट कर देते हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट कर देते हैं, और बैंक जो भी बैंक दे रहा है कैश दे रहा है वो डायरेक्ट हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? नेट इनकम दिसंबर 31st 2002 160,000 की है, नेट इनकम भी हमें बता रहा है। तो प्रिपेयर हमें स्टेटमेंट ऑफ
एप्लीकेशन और सोर्सेज ऑफ फंड बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, आप यहाँ देखें कि हमने एक्स वाई जेड एल टी डी ली, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड फॉर द पीरियड एंड इन दिसंबर 31st 2002। ठीक है, सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड में हमने क्या कहा, नेट इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, नेट इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस 1,60,000 और 1,60,000 ये देखें आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 1,60,000 यहाँ से ले लिया। फिर हम ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम या एक्सपेंस नॉट रिक्वायर्ड फंड, तो उसके अंदर सबसे पहले डेप्रिसिएशन, तो इस साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ ये देखो, इस साल अगर हम बात करें, अच्छा हम बात करें कि लास्ट ईयर अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो देखो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना हुआ था, 30,000 और बढ़ के हो गया 40,000। इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन कितने से इंक्रीज हो गया, इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है 10,000, तो 10,000 को ले लिया, 10,000 को यहाँ ऐड कर लिया, तो 1,70,000 आ जाएगा टोटल एक्सपेंस नॉट रिक्वायर्ड फंड करके करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ तक 1,70,000 इसको ऐड करके आ गया कि ये फंड हमने बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव किए हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इशू डिबेंचर। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर, अब आप एप्लीकेशन नहीं सोर्स हम देख रहे हैं, तो देखो डिबेंचर लास्ट ईयर कितने थे, ये डिबेंचर पेबल है। अगर हम डिबेंचर को देखें 1,20,000 के थे 2001 में, और 2002 में कितने हो गए, 2,40,000 के, तो 1,20,000 से 2,040 हो गया, तो इसका मतलब है कि इस साल हमने 1,20,000 के डिबेंचर इशू किए थे, तो जब इशू किए थे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, तो ये हमारे लिए सोर्स है, तो हमने यहाँ ऐड कर लिया। फिर हम देखेंगे कि शेयर्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है, अगर हम देखें ऑर्डिनरी शेयर, तो शेयर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, लास्ट ईयर हमारा शेयर कितना था 3,00,000, इस साल हमारे शेयर कितने हो गए, शेयर कैपिटल 4,00,000, तो इसका मतलब है कि शेयर न्यू शेयर कितने के आपने इशू किए हैं, 1,00,000 के, तो जब आपने जनरल पब्लिक में शेयर इशू किए होंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिला होगा। ठीक है, रिटेन अर्निंग का हम लेते नहीं है एप्लीकेशन और सोर्स में, वो इनकम का पार्ट होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, हमने जैसे एज पर फॉर्मेट ये सारी चीजें, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि हम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ये सारे हम सोर्सेज में लेते हैं, और फिर एप्लीकेशन में अगर हम परचेज करते हैं और पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको ये 1,70,000 में 120 और ये ऐड करेंगे तो 3,90,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,90,000 हो जाएगा टोटल सोर्सेज ऑफ फंड, क्लियर है। अच्छा उसके बाद अब हमें एप्लीकेशन देखनी है, तो एप्लीकेशन हम देखेंगे फिक्स एसेट्स में, एप्लीकेशन हम किस में देखेंगे, फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी। ये याद रखना, कैश फ्लो के अंदर, फंड फ्लो के अंदर हम इक्विटी शी को डिस्कस करते हैं, शी, इसको हम क्या कहते हैं, शी, एस एच ई, शेयर होल्डर इक्विटी, यानी के शेयर होल्डर इक्विटी को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को डिस्कस करते हैं और फिक्स एसेट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखें हमारा इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को हम जरा देखें, देखो इक्विपमेंट को अगर हम देखें तो इक्विपमेंट लास्ट ईयर 2,80,000 का था, इस अब बढ़कर कितना हो गया, 3,10,000 का, तो हमने 3,10,000 और 2,80,000 को माइनस किया तो कितना हमारे पास आ रहा है, 30,000। ठीक है, हमारे पास कितना आ रहा है, 30,000 के, लास्ट ईयर हमारा इक्विपमेंट कितने का था, इक्विपमेंट था हमारे पास लास्ट ईयर 2,80,000 का और वो बढ़कर हो गया 3,10,000 का, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,00,000। ठीक है, कैश डिविडेंड पेड, इधर भी आपके पास पैसे जा रहे होंगे, तो इसका मतलब है 30,000 का आपने ये लिया है, 30,000 का आपने ये लिया है, और जो कैश डिविडेंड आप यहां दे रहा है कि कैश डिविडेंड हमने कितना पे किया है, ये आपको दे रहा है कि 1,50,000 कैश डिविडेंड पे किया है, तो जब कैश डिविडेंड पे किया होगा तो डेफिनेटली यहां पर भी आपके पास से पैसे जा रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर 1,80,000 हो जाएगा, तो टोटल इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,10,000, 2,10,000 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से चीजें समझ में आएंगी, आगे हम इसकी और